नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 42,457 की, और ये कल की क्लोजिंग से लगभग 110 पॉइंट ऊपर है। लेकिन ये बैंक निफ्टी अभी भी इसी रेंज के अंदर में बना हुआ है। जो ऊपर की रेंज हमारी यहाँ पे है 42,600 की, और नीचे वाली रेंज है 42,200 की। इसी रेंज के अंदर में हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, यानी ये 400 पॉइंट की रेंज में लगभग हम पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जब तक हम इस रेंज के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, 622 650 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो शायद ये 880 और उसके बाद फिर 43,122 के लेवल भी यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर हम 42,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो शायद 41,500 और 41,250 की रेंज यहाँ पे दिखा सकते हैं। बड़ी होप यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। देखते हैं पहले रेंज को ब्रेक करे किसी साइड में। आज तो बैंक निफ्टी थका दिया था, कल भी उसने थका दिया था, तो एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज के अंदर में फंसा है ना, शांति से बैठे रहिए, आड़े टेढ़े ट्रेड मत लीजिए, हर जगह ट्रेड को ढूंढिए मत। आप लोग देखिए, अगर ट्रेड बनाएंगे तो ट्रेड आपको हर जगह बनता हुआ दिखेगा, तो ट्रेड बनाने की कोशिश मत कीजिए। चार्ट पे देखिए कि चार्ट पे ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी निफ्टी ऑप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे मैं चार्ट पोस्ट करता हूं। और लर्निंग ग्रुप में मैं साल में एक बार बैंक निफ्टी ऑप्शन की फ्री ट्रेनिंग भी देते रहता हूं, तो वो ट्रेनिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, आज के सेशन में देखिए क्या होता है। बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है 470 के आसपास ओपन होता है, फिर नीचे आता है पहली कैंडल। अब पहली कैंडल के अंदर में इसने सारा दिन पहली कैंडल के अंदर में निकाल दिया। लास्ट का जो ये कैंडल है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट मिला, बाकी सारा दिन देखिए तो इसी पहली कैंडल के अंदर में ये सारा दिन टाइम पास इसने किया है। अगर यहाँ भी देखेंगे, रेंज देखेंगे यहाँ पे, तो 420 से 420 यानी 50 पॉइंट की बैंक निफ्टी 50 पॉइंट में, यानी ये 42,000 का स्टॉक मान के चले, 42,000 का इंडेक्स 50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो यहाँ पे फंसना ही फंसना है। यहाँ पे होप ट्रेड लेके बैठने से काम नहीं होगा। जब तक ये रेंज के अंदर में फंसा है इसी तरह से रहेगा, तो ज़्यादा यहाँ पे बड़े ट्रेड मत लीजिए, बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। छोटी क्वांटिटी को ट्रेड कीजिए आराम से, अगर ट्रेड बनता है तो ट्रेड कीजिए, नहीं तो शांति से बैठे रहिए। एक मैंने भी ट्रेड ऑलरेडी दिया हुआ था अपने लर्निंग ग्रुप में, यहाँ पे जो था वो था 42,422 के ऊपर। मुझे 42,422 के ऊपर जब भी निकला था तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था और ठीक ठाक जगह पे गया, अभी 500 तक गया। लेकिन हाँ, ये हो गया सारा दिन परेशान करने के बाद गया, एसएल तो नहीं किया, क्योंकि 380 ही नहीं ब्रेक किया उसने, तो 40-50 पॉइंट का भी एसएल उसने नहीं किया, तो 505 तक ये गया जरूर, लेकिन उसने कुछ मज़ा आया नहीं। 260 की कॉल भी पोस्ट की थी अपने लर्निंग ग्रुप में, तो वो 260 वाली कॉल जरूर 280-284 तक गई, लेकिन वो भी वही 40-50 ट्रेड करते करते फिर उसने 60 निकाला, तो फिर ये ऊपर की साइड में यहाँ पे गई। अब यहाँ पे देखेंगे 50 मिनट के चार्ट पे, तो हम इसी जगह पे कल देखिए यहाँ परसों के सेशन में गए, फिर कल के सेशन में परसों के लास्ट सेशन में यहाँ पे गए, आज वाले सेशन की ओपनिंग हमारी हुई और आज वाले सेशन की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे हुई है, तो ये थोड़ी ठीक ठाक जगह है। लेकिन वही है कि बैंक निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर में ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़े ट्रेड आप मत ढूंढिए। ज़्यादा बड़े ट्रेड ढूंढेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। छोटी क्वांटिटी 50-60 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो ठीक है, नहीं तो वो भी मूवमेंट यहाँ पे मिलनी मुझे तो मुश्किल ही फिलहाल दिख रही है। कब तक? जब तक हम 622-625 वाले रेंज को अब ब्रेक नहीं करेंगे, यानी 633 मुझे, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 633 वाली रेंज हमें अब क्रॉस करनी पड़ेगी ऊपर की साइड में, तभी हमें यहाँ पे एक मोमेंटम शायद दिख सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि बैंक निफ्टी पिछले लो को अपने ब्रेक नहीं कर रहा, जो लो बना रहा है उस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, उस लो को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सिग्नल मेरे लिए यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कल अगर ये 440-450 से लेकर के 500 वाली रेंज के अंदर में ओपन होता है, देखिए ओपन इस रेंज में होना चाहिए, ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने यही बोला था कि इस रेंज में ओपन होकर निकलेगा तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर ओपन होगा, जब ऊपर ओपन होगा तो वॉलेटाइल हो जाएगा, इस रेंज में ओपन होगा तो इस रेंज को ब्रेक करेगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर इसी रेंज में ओपन हो, 400 से लेकर के 475-480 वाली रेंज में ओपन हो और 5-7 मिनट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में ये 42,505 को क्रॉस करता है, तो छोटे छोटे मूव के लिए हमें प्ले करना पड़ेगा। 42,577
7, सेकेंड टारगेट होगा 42,688 का और थर्ड टारगेट मेरा होगा 42,820 का। तो ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे लेवल यहाँ पे देखने पड़ेंगे आप लोग को अगर इसी रेंज के बीच में लगता है तो। और अगर ये 505 को क्रॉस करता है तो आपको SL जरूर यहाँ पे 42,445 का यहाँ पे SL लगा के जरूर रखना चाहिए अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो। नीचे की साइड में देखिए आज इसने काफ़ी रिस्पेक्ट किया 350 वाली जोन को, तो अगर 350 वाली जोन को ब्रेक करता है तो शायद वापस ये 200 के पास तक यहाँ पे आ सकता है। तो अगर ये 400 से 350 की जोन में ओपन होता है और यहाँ पे 350 को ब्रेक करता है तो फिर इसको नीचे की साइड में हम एक बार देख सकते हैं। जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो शायद यहाँ पे 42,200 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 42,200 के नीचे निकलता है तो थोड़े से यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 100-150 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाए 600 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन हो जाए आधे घंटे, तब तो बात बन जाएगी कि अच्छा खासा मूवमेंट एक ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन उसके लिए 42,600 के ऊपर कंटिन्यू बैंक निफ्टी को 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे वहाँ पे टिकना पड़ेगा। 622-623 रेंज के ऊपर जैसे फिर निकलेगा फिर अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में बन सकता है। चलिए मैं एक कॉल दिखाता हूँ आप लोग को, उस कॉल पर नज़र बना के हम लोग रखेंगे। तो अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, एलायंस ब्लू, फायर और ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल अपने व्यू पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिए। आज मैंने यहाँ पर कॉल लगाया है 41,400 की कॉल, ध्यान से देखिए इस कॉल को। देखिए जितने भी यहाँ पे राइटिंग हुई है वो इस जोन के अंदर में हुई है, कल भी मैंने यही चीज़ बता रहा था 42,300 वाली कॉल में इस रेंज के अंदर में हुई है, यानी इस रेंज के अंदर में राइटिंग हुई है और इस रेंज के अंदर में ही मार्केट घूम रहा था। तो यानी जिन्होंने राइट किया है उनका भी पैसा नहीं बना है, जिन्होंने बाइंग किया है उनका भी पैसा यहाँ पर कुछ पैसा बना नहीं है किसी का भी, सब यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर जिन्होंने राइट किया है वो भी परेशान है क्योंकि इसी जोन में बाइंग उन्होंने राइट किया हुआ है और मार्केट इसी जोन में चल रहा है, बल्कि इस जोन से अब थोड़ा सा ऊपर की साइड में निकला है। यानी जहाँ पे इन लोगों ने शॉर्ट किया होगा यानी राइट किया है उससे ऊपर मार्केट यहाँ पे निकल रहा है ये कॉल, तो इस कॉल पे नज़र बना के रखिएगा। ये कॉल अगर 200-210 की रेंज में ओपन होती है, 200-210 की रेंज में ओपन होने के बाद ध्यान रखिएगा शुरुआती 2-3 मिनट ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन के चार्ट को शुरुआती 2-3 मिनट के बाद में अगर ये ऑप्शन 222 को निकालता है, 222 यानी ध्यान रखिएगा 222 का लेवल अगर ये ऑप्शन निकालता है तो यहाँ पे जो पहला टारगेट निकलेगा ये जो ऑप्शन है ध्यान रखिएगा 42,400 की कॉल है बैंक निफ्टी की, 42,400 की कॉल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये कॉल शुरुआती 4-5 मिनट के बाद में अगर यहाँ पे 222 के लेवल को निकालता है तो यहाँ पे जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 250, उसके बाद सेकंड टारगेट होगा वो होगा 288 का। यहाँ पे दो टारगेट मुझे, ये टारगेट मुझे दिखते हुए नज़र आएंगे कब, जब ये शुरुआती 2-3 मिनटों के बाद में ये 222 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी का 42,400 की कॉल को, उसकी बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो आपको SL रखना है ना वो SL आपको यहाँ पे रखना है 190 का SL फॉलो ही करना है। देखिए ट्रेडर बनना है तो SL फॉलो ही करना पड़ेगा, बिना SL के ट्रेड मत लीजिएगा, SL को फॉलो करना है। अगर ये 222 के ऊपर 5-10 मिनट रुक जाएगा तो फिर आप SL को 200 के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।